तो अभी हो रहे हैं 12:25 और हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। ट्रैकिंग पे हम लोग कैंपिंग भी करने वाले हैं। सो हम अपने साथ में क्या क्या कैरी कर रहे हैं, दो बैग हैं ये है और एक बैग ये मैंने लटका के रखा है। तो हम लोग टोटल 3 बैग कैरी कर रहे हैं। अभी नीचे का जाके हम लोग दिखाएंगे कि किस वे से हम जा रहे हैं, कौन सा शॉर्ट वे रहेगा, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। हाँ तो गाइज, अभी हमने अराउंड 60 किलोमीटर की जर्नी पार कर ली है और अभी हम कोई अननोन लोकेशन पे रुके हैं। तो भाई साहब, ये जगह का नाम तो नेवारी बाग है। देख लो गाइज, आधा घंटा बीत चुका है तो अर्जेंट केस खत्म नहीं हो रहा है। अभी हम लेट हो चुके हैं ट्रैकिंग को, हमें रात में कैंपिंग भी करनी है, हमें बहुत सारी चीजें फिगर आउट भी करनी है। हम पहली बार जा रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे, अभी अपने पास इनफ टाइम है। आधा घंटा तो सर आप अर्जेंट केस में निकाल चुके हो और इसमें इनका बफर टाइम भी ऐड करना पड़ेगा। अर्जेंट टाइम में इसको इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, फोटोज भी लेनी होती है। अनिकेत अभी यहाँ पे बाइक पार्क कर रहा है, देखिए और थोड़ा सा अच्छा कितनी ढेर सारी बाइक्स खड़ी। हम लोग सोच के आए थे कि कोई भी नहीं होगा, बट यहाँ पे तो बहुत सारे लोग। तो अभी तक हम लोग ट्रैक ही कर रहे हैं, तो दो बैग लटका के अच्छा चल रहा है, मजे आ रहे हैं। नो रूम, हमें रूम की ज़रूरत नहीं है, वी आर हेयर फॉर कैंपिंग। अभी उसने नीचे बोला कि हम लोगों को कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, कैंपिंग अलाउड नहीं है, बट हमने यूट्यूब पे देखा था कुछ, तो रात को फिगर आउट करते हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और भाई साहब ये रास्ता देखोगे आप, इतना खतरनाक रास्ता है। मेरे को तो काफ़ी थक गए हैं, थके तो खैर हाँ थक तो गई हैं, बट मज़ा भी आ रहा है। पर ऐसी रास्ते में मैं अकेला आता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, इतना अंधेरा है। अभी तो ठीक है, ये एरियाज में थोड़े स्ट्रीट लाइट लगे हैं, बट आगे के एरिया में आप देखो, आप पीछे देख भी रहे होगे, मैं कैमरा देखो थोड़ा पीछे करूँगा तो देख सकते हो, ये भीड़ बहुत ही डरपोक इंसान है। नहीं, इस टाइम पे देखो अभी कोई है नहीं, ना इधर रास्ते पे आपको दिख रहा होगा, पूरा रास्ता खाली है, साइड में जंगल है। अपना एक्शन तो दिखाते चाकू वाला अपना, ये क्या है पता है, सेफ्टी का ट्रैकिंग नाइफ है, ये स्विस नाइफ, तो अपनी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ये निकाल के रखा है। सो इसमें कुछ गलत नहीं है, देखो पूरा कोई भी नहीं है इधर। हम लोग बार हाउस, व्हाट इज दिस यार, या रिजॉर्ट के लिए है ये ओवरनाइट, ये ओवरनाइट ट्रैकिंग है। मैं तो हर किसी को यही सजेस्ट करूंगा, ज्यादा ना करें, हमें खुद को डर लगा है। ये छोटा सा ब्रिज है जो हमने बहुत एक स्ट्रॉन्ग सी लाइट ले ली थी, हमें लग ही रहा था, और हम जा रहे हैं तो हमें हर कोई मना कर रहा है वहाँ कैंपिंग करने के लिए, वहाँ पे मना कर रहा है, बट जितने लोग हमें मना कर रहे उतने आग लग रही है करने के लिए, करके तो रहेंगे ही। सो अभी हम लोग ना यहाँ पे रुके हुए हैं, ये लेक व्यू है, तो लेक के पास में सभी लोग जा चुके हैं, हम दो लोग हैं। अपने को कुछ आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे सामने, कुछ तो अपने को होटल या रेस्टोरेंट रिजॉर्ट क्या है अपने को आइडिया भी नहीं है। थोड़ा तो मुझे डर लग रहा है, एक जानवर भी नहीं है यहाँ पे, हमने एक देखो ट्राइपॉड रख रखा है वहाँ पे, एक दो फोटो खींच रहे थे पर अच्छी आई नहीं। सो हम लोगों को ना फाइनली एक जगह मिली है जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमें वड़ा पाव हमने ऑर्डर किया है। पीछे हमारे देखो अब बन रहा है वो गर्म वड़ा पाव, हालत खराब है। ट्रैकिंग इतना ज़्यादा वो टफ नहीं है, बट यही है कि आपको रेस्ट तो चाहिए रहता है, अंधेरे में थोड़ा टफ हो जाता है अगर आपने टॉर्च कैरी नहीं किया है तो, फोन की फ्लैशलाइट नहीं हेल्प करती, तो इसलिए एक टॉर्च तो कैरी कर सकते हो। बट अभी हम लोग वड़ा पाव का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आएगा तो मुझे आएंगे खाने। हम जा रहे हैं अभी लेक का पूरा देख रहे हैं हम लोग रात के टाइम पे, और
भाई साहब रास्ता तो बहुत खतरनाक है, कोई है भी नहीं, कट गई हमारे बिल्कुल, बट ठीक है हम दो लोग हैं तो कोई टेंशन नहीं है। वी आर एक्सप्लोरिंग माथेरन इन नाइट और लिटरली आप तीन या चार लोग आते हो, इट्स अ बेस्ट फीलिंग टू वॉक इन द नाइट इन माथेरन। ओ मैडक इधर इधर अनिकेत, इधर था कोई मैडक था, देख दिख रहा है क्या? तो देखिए व्हाट वी हैव फाउंड, एक है मैडक और ये कुछ अलग ही टाइप का है। अनिकेत की फटी पड़ी है इस टाइम पे, हम लोग वॉक करते जा रहे हैं, पता नहीं ये रास्ता अपने को कहाँ लेके जाएगा। नाइट में अपने को इधर ही कहीं पे कैंपिंग भी करना है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे। अभी ना हम लोग रुके हुए हैं तो इधर से सामने से कोई बंदा आ रहा है, हम उससे पूछते हैं कि कहाँ पे है। हाँ ये लेक वाला पार्ट किधर है, रास्ता कहाँ पे जा रहा है? मार्केट है? मार्केट, ये मार्केट वापस जा रहा है? हाँ। वापस मार्केट जा, निकल जाएगा ये? हाँ, मार्केट निकल। आपको किधर जाना है? अरे वो थोड़ा बीच जैसा जगह है ना लेक का, जहाँ पे बैठने बैठने का भी है, वो आगे है, वहीं जा रहा है। पर यहाँ पे लगाएंगे नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी लोग लगाते हैं ना, तो जगह बनी हुई सही से रहती है उस जगहों के लिए, थोड़ा इंसान ज़्यादा मिलेंगे क्या पता वहाँ पे। हालांकि ऐसा सुनसान जगह है कि जानवर तक नहीं है। किस्मत से हमने टॉर्च खरीद लिया, वीर तो वो भी मना कर रहा था कि क्या ज़रूरत है। सो हम लोग जाने वाले हैं लॉर्ड्स पॉइंट, कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, उधर अनिकेत है। हम सोच रहे हैं कि बॉनफायर लगाए जाए, चाकू लेके आए सब्जी काटने वाला। सही सेज पे वो रह सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े या कुछ भी, तो थोड़ा सा संभल के निकालो, अगर वो टूट सके तो उसको। इससे क्या है हमें मॉस्किटोज भी नहीं काटेंगे, जो मच्छर हैं वो अपना दूर रहेंगे। काफी हो गया इससे, अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। तो ना अभी देखिए अनिकेत चला गया है, एक बंदा उधर से कोई तो जा रहा था, तो हमें लाइट देखी तो अनिकेत उससे पूछने गया है कि कहाँ पे है एग्जैक्ट कैंपिंग की जगह। मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ, ये अपन लोगों का सामान है, घास वहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया है। अनिकेत अभी आ गया है, मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि इसको 10 मिनट हो गया। कहाँ बताया उन्होंने कहाँ पे ये यही प्लेस है? हमें ऐसे ही ऊपर जा जाके देखना पड़ेगा कौन सा फ्लैट एरिया है, उनमें से जो अपने को ठीक लगे आग वग लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये बकरी तो लाइटर हम लोगों ने साथ में कैरी किया था बॉनफायर के लिए, इसलिए आराम से हो गया काम। कागज वगैरह हमने ले लिए क्योंकि हमें कोई कोल या मिट्टी का तेल कुछ मिला नहीं। गाइस तो अभी बॉनफायर स्टार्ट हो गया है, हम लोगों को सर्दी भी लगी हुई थी काफ़ी, तो आग चल रही है मजे आ रहे हैं। सो हम लोगों के अभी इसमें लकड़ियों में भी आग लग गई है, यानी कि तो काफ़ी ज़्यादा चिल लग रहा है, बहुत हैप्पी हो गया। मैं तो उसको सजेस्ट कर रहा था रहने देते हैं, बट उसने बोला नहीं यार अपने को करना है यहाँ तो। हाँ तो गाइस अभी हमने सोचा है कि पानी उबाल के ग्रीन टी पियेंगे, जल्दी तो नहीं उबलेगा, अभी पकड़ के खड़ा है। गाइस पानी से धुआं धुआना चालू हो गया है, इसमें ग्रीन टी मिक्स करेंगे। टाइम इज नाउ 3:36 और अपने को अराउंड 5 बजे यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, तो 1.5 घंटे का टाइम और रह गया जो अपने को स्पेंड करना है। अभी आग भी चल रही है तो अपने को सर्दी और इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, जैकेट पहने हुए हैं और चाय के अलावा वड़ा पाव का और बोला। तो दोस्तों अभी ना मॉर्निंग 7 बजे हुए हैं, अभी कितने ठंड लग रहा है, ठंड मुझे भी लग रहा है, बट अपने पास ब्लैंकेट नहीं बचा है ओढ़ने के लिए। तो देखो अभी हम लोगों ने तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है दूर से, तो पास जाके पता चलेगा कैसा है। थोड़ी सी धुंध है, सर्दी भी काफी है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से इनको भी अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं जाएंगे। सो गाइस अब
अभी हम लोग जाएंगे इधर, अब देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है पूरा, एक लेक देखा है एंड वहीं पे आप तो गाइज अभी ना मैं आपको एक बहुत ज़्यादा रेयर स्पीसीज वाला पेड़ दिखाने वाला हूँ और ट्री जो कि जनरली इंडिया में पाया नहीं जाता है, बट आप माथेरन में आएंगे तो आपको मिलेगा। यह है हकुना मताता की नई प्रजाति, मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ, मुझे अपनी लैब में टेस्ट करने के लिए उसका सैंपल लेना है और बहुत ही इसके फायदे हैं। कोरोना हो रहा है तो इसका आप ये छाल निकाल के खा सकते हो। कोरोना सही होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन पेट के कीड़े होंगे जाएगी। देखिए ये रेडिश होता है, ये अगर आप देखेंगे अंदर से रेडिश रहता है, और ये अगर आप लेते हैं तो क्या रहेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है एंड साथ में इसमें विटामिन भी रहता है। तो ये अभी मुझे लेबोरेटरी में जाके अपने में चेक करना है। मैं हूँ मशहूर साइंटिस्ट किम जोंग हूँ, ओके। सो अभी मैं चाइना जाऊँगा, वहाँ पे मेरा ये टेस्ट भाई डाल सकते हो और अपना लेकिन आपका चाकू फंस सकता है, और अगर फॉरेस्ट गार्ड ने ऐसे करते हुए देख लिया तो गएगा वो अलग, साथ में फाइन भी लगाएगा आपके। टूटेगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फाइन 5,000 का जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरे जैसा ऐसे एक्टिविटी करें नहीं। बट ये रेडिश है, अभी ये थोड़ी देर बाद इसमें से रेड रेड खून निकलेगा। देखिए देखिए पूरा रेड, हाँ पूरा धूम मार दिया। और रात के टाइम पे ये नहीं करने का, एक पेड़ उल्टा होके निकलेगा आपको, ठीक है। तो रात के टाइम पे नहीं करने का, केवल आपको दिन के टाइम पे करना है, और ये बहुत अच्छा पेड़ है, आप खा सकते हैं। मैं इसकी छाल को थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये वैसे तो स्वाद है इसका, लेकिन फिर भी टेस्ट जरूर करना। सो गाइस वी आर फाइनली एट दिस पॉइंट, तो भाई साहब आप देख सकते हो इसको फोटो खिंचाने कितना शौक है, कोई भी खाई से कूदने को तैयार है। गाड़ी की गाड़ भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। वहाँ पे शिवाजी का स्टैचू है जो कि आपको टेलीस्कोप से भी दिखाने को मिलता है, एको पॉइंट है वहाँ से, लेकिन ये जो पॉइंट है आपका यहाँ से आपको पूरा सामने दिख रहा है, और देखिए कितना अच्छा व्यू है, आप पूरा पूरा दिखाई दे यहाँ से वहाँ तक। जाते हैं माथेरन मार्केट, वहाँ से थोड़ा सा है एक डेढ़ घंटा और लगेगा जहाँ पे हमने बाइक पार्क की है, कुछ देखेंगे वहाँ पे खाने को रहेगा तो, बट अब भी और कहीं नहीं घूमने जाना है। अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, तो ये हमारी जर्नी का एंड था, माथेरन की जो ट्रिप थी उसका एंड था ये, एंड वी हैव एंजॉयड इट।
काफ़ी ट्रैकिंग किया, काफ़ी थक गए हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने वो एंजॉय की चीज़। बाय बाय गाइज़।